नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। सीधी जिले के बहरी तहसील के अंतर्गत नकझर ग्राम पंचायत में कुछ हिंदुओं को ईसाई धर्म में जोड़ने का खेल चल रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और थाने को सूचित किया। सूचना मिलने पर प्रशासन स्थल पर पहुंचा और मौके पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका थाने के बाहर विरोध भी किया गया है। इस दौरान बजरंग दल और शिवसेना के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर जमे रहे और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आपको बता दें कि मामले को लेकर एडिशनल एसपी अंजुलता पटेल ने जल्दी ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें हमें आराम हुआ, उसमें हम हो गए। अब आप अमर हो गए हैं, नहीं मरेंगे? अब मरेंगे हम, कोई जिंदा नहीं रहेगा यहाँ, लेकिन हमें अब जो कुछ होता है, हमने प्रार्थना दुआ करते हैं तो आराम हो जाता है। आपका कहें क्या घृणा हो रही है आपको साकेत बोलने में? मेरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अगर उसमें ऐसी कुछ बातें पाई जाती है तो आप बिल्कुल। फिर आप एक ईसाई के लिए, जो ईसाई धर्म का, उसके लिए आप क्यों यहाँ पे खड़ी है? ईसाई धर्म कौन कहता है? जो कहता है बोला के दिखाए कि ये वास्तव में ईसाई धर्म। पकड़े गए हैं, उनका डाटा मिला है पुलिस के पास, तब पुलिस ऐसे ही तो नहीं उठा लाई है। पुलिस के पास डाटा या FIR है, तब तो पुलिस बंद करके रखी है उन्हें। पुलिस हो या कुछ भी हो, ईसाई धर्म जहाँ है मुझे दिखाए, मैं अपना डॉक्यूमेंट चेक कराऊँ, आधार कार्ड पर वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मार्कशीट दिखाऊं। मैं समाज एससी परिवार से, एससी समाज से हूँ, साकेत परिवार से हूँ। गर्व कर सकती है कि हम साकेत हैं या नहीं? यस, मैं साकेत हूँ, है ना? गर्व से बोल सकती है ना? यस, गर्व से। सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे जो है तो पंडित बनना है। आप मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। आपके द्वारा मुझे कॉल करके ये कहा जा रहा है कि मुझे जो है तो जाति परिवर्तन के बाद धर्म परिवर्तन अगर मैं नहीं करूं तो क्या बना दिया जाएगा? सुनिए। इसमें जो हम अपने परिवार रिश्तेदार हैं, जिसको हम, जैसे हमको जो तकलीफ से मुक्ति हो, जैसे नशा से मुक्ति हो गए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, तो भैया हमको जहाँ आराम मिलेगा वहीं ना हम जाएंगे। सुनिए, गौर से सुनिएगा, और भी बातें हैं। आप तो चुप रहिए, सुनने तो दीजिए। सुनिए, धर्म बदल रहे हैं, ये है वो है। अगर हम धर्म बदल रहे हैं तो क्या हमको पंडित के चलो ठीक है, हम धर्म अपना छोड़ देंगे, जो कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, लेकिन हम पंडित के दर्जे हमको मिलेगा? आप बोलिए तो क्या बोल रहे ना? पंडित वो नहीं बोल रहे कि हमें पंडित बनना है, वो नहीं बोल रहे हैं। पंडित का दर्जा मिलेगा क्या? पंडित का दर्जा मिलेगा क्या, मतलब क्या है पंडित? किसे कहते हैं आप बताइए मुझे। हमसे जाति से कोई लेना देना नहीं है, मानव जाति है, ठीक है ना? मानव जाति के सब धरती में रहने का, सबका जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना? और भारत का जो धर्म कहता है, संविधान का जो 25वां छेद कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी ईश्वर की पूजा आराधना भक्ति भाव कर सकता है। अगर इसमें किसी को क्षति पहुंचाई जाती है तो उसमें केस किया जा सकता है। तो इन लोगों ने हमारे लोगों के, हम लोग प्रार्थना करके, बर्थडे था उसमें हम सेलिब्रेट कर रहे थे, इन्होंने जाके और हमारे लोगों घर में जाके जबरदस्ती हमला किया, मारने लगे, तोड़ने लगे और भट्टा टिप्पणी किया, मेरे भाइयों को लेकर जेल में करे। अब आरोप लगाते हैं धर्मांतरण का। ठीक है, आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है आप कह रही है सही है। तो आप ये बताइए कि जो वीडियो हमें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर यीशु मसीह का चिन्ह बना गया, तो गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है। मेरे सामने प्रूफ करके दिखाएं, फोटो कहाँ है यीशु की? परिवर्तन को लेकर के वाद विवाद बाहरी थाना अंतर्गत देखने को मिला, क्या पूरा मामला? देखिए, इसमें कल थाना बहरी में जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त होने पर कि जो नक्षर गांव है उसमें जो ग्रामीण जनों ने एक शिकायत दर्ज किया है कि वहां पर जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सूचना की तस्दीक की गई और तस्दीक करने के पश्चात जो जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त के अनुसार इसमें अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध करने के साथ साथ इसमें जो है कुछ लोगों को उसे पूछताछ भी जारी है। इसके अलावा अन्य ग्रामीण जनों से भी पूछताछ जारी है इसमें। जी दीदी, इसमें कितने लोग यहाँ पर पकड़े गए पुलिस के द्वारा? जैसा कि इसमें है कि 3 से 4 लोगों अभी जो है इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हम ग्रामीण अन्य जनों से भी, और हम बात करें सीधी जिले के कोकस के, कि आपस में किस किस लोगों से बातचीत हो रही है और ग्रामीण जन कहाँ कहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ, उन सभी से पूछताछ इसमें कर रहे हैं। जिस प्रकार के साक्ष्य इसमें आएंगे उस प्रकार साक्ष्य के अनुसार जो है विधि अनुरूप इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के जन जो है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग धर्म परिवर्तन करने का स्वतंत्रता की हमें आज़ादी है और मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, इसमें पुलिस को क्या दिक्कत है या आम जन को क्या दिक्कत है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं,
देखिए वो जो है दूसरा पक्ष की बात है, हम तो उन पक्षों की बात करेंगे जिसने हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराई है, और यदि उनकी ऐसी कुछ बात है तो उसको भी सुना जाएगा। ये सारी चीज़ें जैसा ही मैंने पूर्व में भी कहा है कि प्रथम दृष्टया इसमें जो अपराध हमें समझ में आया है उस अपराध को पंजीबद्ध किया गया है, और उसके पश्चात सारे साक्ष्य संकलन किए जाएंगे, और संकलन करने के पश्चात इसमें फिर हम जो है अग्रिम रूप से जो है इसमें जो भी जैसे तथ्य आते हैं उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई इसमें हम करेंगे। जी धन्यवाद।